ये देखिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है कलर थोड़ी के। अब बताइए, ये देखिए। हाँ देखिए, नमस्ते। देखिए हम पूरी मूंगफली पूरी बनाने जा रहे हैं, आज उसके घर में सब्जी नहीं है तो इसलिए मैंने नमक वाले आटा में क्या क्या मिलाया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सरसों का तेल, अचार वाली, और वैसे तो खास कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा लहसुन कुछ के डाल दिया तो बिल्कुल जैसे आपको कचौड़ी का स्वाद आएगा, बिल्कुल कचौड़ी का टेस्ट आएगा। आप कभी भी अपने घर में बना के खा के देखिए, बिल्कुल यही टेस्ट मिलेगा आपको। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही। और बताइए, जैसे घर में जो सामान मैं वही बनाऊंगी, अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी। ये लिए मेरे रिफाइंड, देखिए ये मेरा सब डिब्बा है, छोटा मोटा गृहस्थी है, अभी अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, और हमारा हस्बैंड जैसे रिक्शा चलाता है उसी कमाई में हमारा घर चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैं घर चलाती हूँ। छः बच्चे हैं मेरा, छः बच्चे, दो हम, आठ लोग हैं। आठ फैमिली खर्चा तो आप लोग को पता ही होगा आजकल का इस ज़माने के महंगाई में, तो हम लोग ऐसे गृहस्थी चला लेते हैं। और ये देखिए, हम थोड़ा सा चावल भी हुआ है, थोड़ा सा, और चावल भी धोने के लिए खैर भगवानी छोटी छोटी है लेकिन हम कढ़ाई में इस्तेमाल कर लिया है, ये रख दिया चावल। और मैंने ये ले लिया है, क्या लिया, मैगी मसाला, सोयाबीन, सोयाबीन जो ही मेरा खत्म हो गया है, दसे वाले मंगाते हैं हम लोग, इतना पैसा वाले नहीं है लेकिन दोस्तों हम दसे वाला मंगाते हैं। एक दिन थोड़ा सा बना के बेटे को दिया था, थोड़ा सा बचा लिया है। और जो है मैं आप लोगों के दो प्याज, दो प्याज लेंगे, छोटा है बड़ा, आप इसको जैसे प्याज बोलते हैं, कोई कांधा ही बोलते हैं, हम लोग प्याज ही बोलते हैं शुद्ध भाषा में, हम लोग गाँव में रहने वाले हैं। अब मैं लूँगी तो टमाटर नहीं, हम लेंगे लगभग तीनों से, भी हमारा फ्रिज टूटा फूटा है, किसी से किसी ने दिया था तो उसी फ्रिज से मैं काम चला रही हूँ, तो दोस्तों उसी फ्रिज से मैं काम चला रही हूँ, तो सोच रहे थोड़ा बहुत कमाई बढ़ेगा, ये कमाई हस्बैंड की कमाई थोड़ा ऐसा है, तो आप देखिए हम दो प्याज के साथ मैंने लगभग पौने चार टमाटर ले लिया, मतलब आधा गले से कटा हुआ है, एक गिलास चावल में चार टमाटर, दो प्याज देखिए। तो अब मैं बच्चों को देंगे नाश्ते में चाय के साथ लहसुन, नमक वाली कचौड़ी। अब देखिए कचौड़ी जब खाएंगे आप तो आपको बहुत टेस्ट आएगा। और ये आटा देखिए हमने इसे गूंथ लिया है, हल्का सा टाइट, हल्का सा मुलायम। अब यही आटा को हम बनाएंगे नमक वाली, चाहे उसको पूरी समझ लीजिए या कचौड़ी, बस हम कम करके चाय के साथ बच्चों को देंगे खाने के लिए। अब वो लोग खा के बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है, ठीक। आप जो है देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारा चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पहला पूरी ये होता है चूल्हा के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के लिए ये पहला पूरी, क्योंकि ये पहला पूरी कोई नहीं खाता है, इसको गाय को डाल दीजिए, मम्मी के दूध में जला दीजिए, इसमें ज़रा सा चीनी डाल के इसमें आपकी पूरी तैयार है। उसको मम्मी के दूध दे दिया, मैंने पैर पकड़ लिया, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगी चीनी, क्योंकि मम्मी जब तक भी मीठा होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा इसको सिम कर देते हैं तेज है, और सुबह सुबह लाल नहीं होती है इसे, जैसे मेरा पढ़ाई थोड़ा खराब है अपना अपना पढ़ाई है, और हम उससे क्या बताएं, जो है वही दिखा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है। अभी इस पूरी को आप जब खाओगे तो आपको बिल्कुल कचौड़ी के स्वाद आएगा, बिल्कुल ऐसा हल्दी भी डाली है पीली होने के लिए, देखने में अच्छा लगे, बच्चों को लगे कि हाँ बाजार का सामान है। वैसे हम बाजार का सामान बच्चों को नहीं खिला पाते हैं, कुछ परेशानी भी है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं खिलाते नहीं है, बाहर जाते हैं बच्चे तब भी खाते हैं, कुछ ना कुछ खाता ही होगा। अभी देखिए हमारा पूरी देख रहे हैं आप, बिल्कुल
देखिए हमारा भोजन। अब इसमें खाली है लहसुन, नमक, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा अचार के तेल। और लहसुन कुछ किस लिए डाला है, जिसमें स्वाद आ जाएगा। तो उसमें जब स्वाद आता है, उस स्वाद में बच्चे चाहे सब खा लेता है तो पता नहीं चलता इसमें दाल पड़ी है कि नहीं। आप दाल डालो या ना डालो, कभी भी गर्म गर्म पूरी हरी कचौड़ी खा के आप देखो, आपको बहुत पसंद आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आपको जैसे बनाना हो, मोटी बनाना हो तो इसकी पतली बनाना हो, जैसे हम थोड़ा मीडियम साइज के रखा, मोटी पतली दोनों है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। बच्चों को ऐसे पसंद है ऐसे। और अभी मैं जब बनाएंगे इसको, जब हम जैसे बिरयानी टाइप की, उसे नवरात्रों में तो प्याज खाते नहीं है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है तो बनाना पड़ जाता है, तो इसीलिए हम प्याज डाल देती हूँ। और मैं नहीं खाती थी, लेकिन आप बच्चों खाते हैं तो कभी कभी मेरा भी मुँह झुका हो जाता है भूल से भी, लेकिन खाना पड़ जाता है इसलिए हम खा लेते हैं। और हम दिखाए रहे आपको, अब मेरा पूरी देखिए तैयार है। आप बच्चों को हम चाय के साथ में पूरी बनाऊंगी। और हम लोग ऐसे गांव में रहने वाले हैं ना, तो ज़्यादा बोलते भी हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारा हम तो बहुत ही बोलते हैं, लोग तो मेरा बात ऐसा हंसते भी हैं। हम अगर कम बोले तो जैसे लगता है मेरा खाना नहीं हजम हुआ। नमस्कार। मैंने पहली बार पूरी बना के दिखाया है, और धन्यवाद हमारे बेटा को, चैनल को लाइक करें, हमारे बेटे को सपोर्ट दे थोड़ा सा, तो हमारा बेटा भी कुछ करके दिखाए, इस लायक बन जाए जे आप लोगों साथ में चलते फिरते बने। आप लोग जो है, आप लोगों से मदद से ही बन पाएगा वो हम भी जानते हैं। वैसे हम लोग तो बहुत ही अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बाय दोस्तों, जय श्री राम।